तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा ना, अभी एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कुछ दिनों पहले कि फ्लाइंग बीस्ट का डिवोर्स हो चुका है रितु राठी के साथ। तो गाइस आज फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पर एक पूरी डिटेल में वीडियो आई है ना, जिसमें कि उन्होंने रितु राठी एंड उनके बारे में जो भी न्यूज वायरल जा रही थी डिवोर्स को लेकर उस चीज के बारे में बात करा। चलिए मैं उनके वीडियो का आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ ना। उन्होंने तो ये भी क्लेम कर दिया कि मेरे पे एफआईआर हो चुकी है किसी किसी दफा के अंदर, उनके पास एफआईआर की कॉपी भी है। अब देखो केस नंबर वगैरह है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूं। नेक्स्ट डे ये चीज ट्विटर पर पकड़ ली। बहुत सारे प्रोफाइल्स जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स होते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, सेम कट कॉपी पेस्ट सेम ट्वीट बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा था, गौरव चीटेड ऑन हिज वाइफ एंड लेफ्ट हर अलोन विद टू किड्स, एंड ऑफ लव मैरिजेस डिवोर्स। एक और ट्वीट सिमिलर वायरल जाने लगा कि गौरव इज एंजॉयिंग हिज हॉलीडेज इन अबू धाबी विद हिज रूमर गर्लफ्रेंड। मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बना दी गई जिसके साथ मैं अबू धाबी में छुट्टियां मना रहा था, जबकि मैंने उस दिन व्लॉग भी पोस्ट किया था कि मैं फैमिली और बच्चों के साथ हूँ। क्रिएटर्स ने सारे ने वीडियोस बनाई, लेकिन इतना सारा अगर आप सोचेंगे पीआर हुआ हुआ है तो काफी सारा पैसा उस लॉबी ने खर्च किया होगा इसको इतना बड़ा वायरल कराने के लिए। अगर ये पीआर स्टंट ही होता और हमें इससे कुछ गेन करना होता तो जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी मैं तो रोज व्लॉग पोस्ट करता, मैं तो रोज बताता कि आज ये हुआ। रितु भी रोज व्लॉग पोस्ट करती, तभी तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज क्या फायदा उठाएंगे आप। जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो थोड़े लॉयर्स ने भी रितु को कॉन्टैक्ट किया, और वो लॉयर्स सरप्राइजिंगली उसी लॉबी से थे जो हमें अपोज करते हैं। एंड जब मेरा हिंदुस्तान टाइम्स का केस भी हुआ था तो ऑपोजिट पार्टी से भी उनमें से कुछ लॉयर्स वहाँ पे भी खड़े थे, तो उनको लगा शायद अब तो उनका घर टूटने वाला है, घुस के और जल्दी तोड़ते हैं। देखिए एंड में मैं यही कहूँगा, बहुत लोग इस सिचुएशन में साथ खड़े भी रहे। जो भी ईमेल्स और डीएम्स मेरे को आए वो 99% ऐसे थे कि वी लव यू, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो और गेट बैक टुगेदर। कमेंट सेक्शन में आप देखते हैं तो एक अलग पिक्चर पेंट होती है, वहाँ पे लोग बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। देखिए एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हर लंबे रिलेशन में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, सब लोग एग्री करेंगे। किसी को कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है, और हमने बीच को डिस्क्लोज करने का फैसला नहीं किया। जो भी बात हुई वो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो में जो हुई थी उतनी ही हुई थी। तो 10 लोगों के 10 ओपिनियन बन जाते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो 5 लोग अपने छोड़ देते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में हर प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करते हैं। ट्विटर पे जाएंगे, न्यूज पोर्टल्स पे जाएंगे, मीम मार्केटिंग करेंगे। मीम मार्केटिंग आपको पता है कितना ज्यादा शेयर होता है। तो अब जो 10 लोग हैं जो अलग अलग सोच रहे थे, इन 5 लोगों को देख के वो भी यहीं पे आ जाते हैं, उनको लगता है हाँ, और फिर उन 15 लोगों को देख के बाकी 50 लोग और आ जाते हैं, और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है। और एक टाइम के बाद पूरा सोशल मीडिया उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है जहां पे जो ग्रुप्स हैं जो टारगेट करते हैं इनका पर्पस वहां सॉल्व हो जाता है। देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो से सहमत नहीं होंगे, उनको लगेगा कि पीआर स्टंट हमने करवाया। देखिए भगवान ने सबको बुद्धि और विवेक दिया है, आप उसका यूज करके अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जो भी लोग खड़े हुए साथ में। तो हां गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।